हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस मान वीरेंद्र मान। बेसिकली आप लोगों में से बहुत ही कम लोग मुझे जानते हैं, और जितने भी जानते हैं उन सभी के लिए थैंक यू, और जो नहीं जानते उनके लिए बेस्ट विशेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को आज इंटरनेशनल वुमेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। मैं बहुत ही कम वाणी के ब्लॉग पर आता हूँ और उसे ये शिकायतें रहती हैं, तो आज मेरे पास मौका भी है और मैं ये दिखाना चाहता हूँ उसको कि हाँ, आई कैन डू इट। और बेसिकली मुझे जो दिखाना है आज का जो प्रोग्राम है वो वुमेंस डे सेलिब्रेशन का है, और ये सहारनपुर के KLG पब्लिक स्कूल में जो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जिसकी, और जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है वो है एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। तो बस यही दिखाऊंगा आपको आज के ब्लॉग में कि होता क्या क्या है। बेसिकली जो एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। वुमेन एम्पावरमेंट में हमारा रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, और जितने भी पुअर सेक्टर्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उन सबको प्रमोट करना, उन सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, और उन सबके लिए एक तरह से बैक स्टेप प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। यहाँ पर वुमेन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी सहारनपुर में बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जिन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली हमने जो किया है वो है एरोन फूड वैन। फूड वैन मीन्स कि हम उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास खाना प्रोवाइड कराते हैं, इसकी कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये रहती है। और उसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जो हॉस्पिटलाइज होते हैं पेशेंट, उनको तो खाना मिल जाता है, लेकिन जो साथ में अटेंडेंट होते हैं वो खाना नहीं मिल पाता है, और खाना मिल भी पाता है तो बहुत कॉस्टली रहता है। तो यही इसका एक हमारा टारगेट है कि हम उन लोगों को भी खाना प्रोवाइड कराएं जो अटेंडेंट लोग रहते हैं। तो आज देखिएगा कि हम वुमेंस डे सेलिब्रेशन कैसे होता है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्कूल की बिल्डिंग कितनी ब्यूटीफुल है, कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है। वन बाय वन मैं आपको सब दिखाऊंगा, तो बने रहिए बी ब्यूटीफुल विद वाणी के साथ। थैंक यू। कॉलेज का मेन गेट है जो एंट्रेंस है। बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं पहली बार विज़िट किया है स्कूल को, लेकिन देखते लगता है कि हाँ, अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। अभी कॉलेज के डीन आ गए हैं, मैं आपको पूरा कॉलेज दिखाऊंगा और साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि प्रोग्राम कैसा है। Success always hugs you in private, but failure always slap you in public. It's like, और ये बहुत प्यारी कोटेशन है। It's time to celebrate success, but it is more important to need the lesson of failure. Of course, जितना ट्रू है और उतना ही अकम्पलिश करने जरूरत होती है। गर्ल्स पेंटिंग्स हैं जो स्कूल्स में फेस्ट होते रहते हैं, उन सबकी पेंटिंग्स हैं। डांस क्लासेस की फ़ोटोज, लेबोरेटरी, कंप्यूटर क्लासेस की, बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है, देखते रहिए। ये स्पोर्ट्स एरिया है। ये किड जोन है। ये सेकेंड हाफ बिल्डिंग, ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स एरिया है। ये बिल्डिंग है। चलिए हम मेन एंट्रेंस से आपको लेके चलते हैं। सो वी हैव टू एंटर। मैनेजमेंट कमेटी में फ्रंट ऑफिस के कॉर्नर में जो म्यूजिक स्टूडेंट्स के लिए इंडिकेट करता है कि आपको म्यूजिक कितना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं आपको फ्रंट ऑफिस। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये फ्रंट ऑफिस की टीम है, मैं सर हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, और पूरा का पूरा बर्डन इन्हीं लोगों के ऊपर है।
ये किस सेक्शन में? बहुत कुछ ऐसी पेंटिंग्स बच्चों ने बनाई हैं, वो सभी डिस्प्ले की गई हैं और डिपार्टमेंट वाइज उनको सिलेक्ट किया हुआ है। ये गेट भी है सेकंड बिल्डिंग का। और आइए मिलाते हैं आपको म्यूजिक टीचर सर शुभम से, जिनमें पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। सर कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद आपसे मिला हूँ और आई होप कि आपसे बार बार मिलता रहूँ, आप सिखाएं मुझे भी कुछ। थैंक यू सर। काम हो रहा है, अभी मिलते हैं सभी से। दो मैम आ चुकी हैं, स्टेट वन जो खड़ी हैं ज्योति मैम है, सेकंड वन इज लीजा मैम जो कैलीग्राफी सिखाती हैं बच्चों को, ज्योति मैम मेरे उनकी पाठशाला संभालती हैं जो गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं जिसके अंदर, और मार्शल आर्ट्स भी सिखाती हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको इंटरेक्ट करता रहूँगा सब। स्कूल्स में एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो मुझे देखने को मिला है वो ये है, डोंट रन ऑन स्टेयर्स। ऑफकोर्स नो, हम लोग तो भागते ही रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आप स्टेयर्स पे जब होते हैं तो स्लोली स्लोली वन बाय वन चलिएगा। एक बार आप गिरे तो फिर गिरते रह जाओगे, फिर फिसलते फिसलते पता नहीं कहाँ तक जाओगे। बिल्डिंग बहुत प्यारी है, स्कूल बिल्डिंग। ये लाइब्रेरी सेक्शन है, अभी शायद बंद है कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से, अभी स्कूल्स खुले हैं तो टाइम लगेगा, क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और हम आपको स्कूल विज़िट कराएंगे, ऊपर की साइड से जो बाहर का एरिया है वो दिखाएंगे। क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट की हुई है और एक सिस्टमेटिक वे ऑफ एजुकेशन है इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट काइंड के मैसेजेस हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं और अपने जीवन में लाते हैं कि व्हाट शुड वी डू। रिप्रोडक्शन इन ईयर्स बाय बर्डिंग, टेंसेस की फॉर्म्स लिखी हैं, वॉइस ऑफ ग्रामर्स लिखी हैं, नॉन फिनिट वर्ब्स हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। और चलिए आपको मेरी फेवरेट हिस्ट्री में भी लेके चलते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ शिवाजी, द रिनाउन ऑफ मराठास जिन्होंने बड़ा परेशान किया अंग्रेज़ों को, सुनामी, हाउ इट अकर्स, प्रेशर प्लेट्स के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं तो सुनामी कहीं ना कहीं ना किसी किसी वाइब्स के रूप बाहर निकलती है। सेम ऑन द ये मैग्मा में भी रहता है आपका, जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तभी कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर आती हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं वीरेंद्र मान बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था वीरेंद्र मान, ऐसा नहीं कि मैं जेम्स बॉन्ड की तरह अपना इंट्रो करा रहा हूँ, मुझे घर वाले सब वीरेन बोलते हैं और जो मेरा निक नेम है वो ही एक तरह से वीरेन ही बन गया है, अदरवाइज़ मेरा नाम वीरेंद्र है। और मैं ITC में जॉब करता हूँ एज ए क्वालिटी ऑडिटर,
क्वालिटी ऑडिटर मीन्स की क्वालिटी इंस्पेक्शन करता हूँ और अप्रूवल देता हूँ कि अपने ब्रांड्स का, अपने ये मेरा पोर्टफोलियो है इस तरह। और दूसरा मुझे लिखने का शौक़ है, पोएट्री करता हूँ, कोर्ट्स लिखता हूँ, और जो मेरा बिल्कुल डिफर है किस वाणी से, तो एक तरह से हम दोनों कहते हैं ना कि डिफरेंट पोल्स वो हैं, लेकिन फिर भी जैसे डिफरेंट पोल्स होते हैं कि वो अट्रैक्ट कम करते हैं लेकिन जुड़े रहते हैं, तो यही रहता है उसके साथ मेरा। वो मुझे थोड़ी इसलिए खफा रहती है कि मैं ब्लॉग नहीं बनाता, पोएट्री करता हूँ, लिखता हूँ, और थोड़ा थोड़ा उसको पसंद है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी पसंद है, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। और देखते हैं आगे, प्रोग्राम को देखना है, आपको दिखाना है, बताना है। देर आर सम किड्स परफॉर्म टुडे, हैप्पी वुमेंस डे चिल्ड्रन। स्कूल का हाफ टाइम हो चुका है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं हाफ टाइम का। स्कूल की छुट्टी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे देखिए घर जाने के लिए तैयार हैं, भूख लगी है। हाय, से हाय, कैसे हैं, घर जा रहे हो, छुट्टी हो गई।